हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सीम या अपीयर का प्रयोग हमने आपको दो वीडियो में अलग अलग करके बताया है, तो आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं हम। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स या सीम या सीम्ड टू के बाद बी बताया था। अब उससे आगे चलते हैं। अगर वाक्य में इसकी पहचान वही रहेगी, पर जहाँ पर कहीं प्रतीत होता है, लगता है, दिखाई पड़ता है या दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि ये वाक्य में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाने हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर कहीं पर पास होने की बात आती है, मैं ऐसा प्रतीत होता है कि वह 2 रुपये रखता है, तो हम उसमें सब्जेक्ट एक वचन है तो सीम्स का यूज करते हैं, प्लूरल है तो सीम का यूज करते हैं, और अगर वाक्य पास्ट में है हमारा तो फिर हमें सीम्ड का प्रयोग करना है, उसके बाद टू यूज करना है, उसके बाद हैव लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना है। लेकिन अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हमें कहीं दिखाई दे रहा है तो टू हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आशा है समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सीम्स लगाना है, प्लूरल है तो सीम लगाना है, और अगर वाक्य पास्ट में है तो सीम्ड का यूज करना है, उसके बाद टू का यूज कर देना है, फिर हैव यानी कि रखने की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करना है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का दिखाई दे रहा है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड सेकंड है हमारा, सबसे पहले अगर वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का हो, अगर वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है तो फिर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वही हमारा सीम सीम सिम्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, फिर टू बी बीइंग लगाना है, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं टू बी, फिर बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 5 रुपये हैं, तो ऐसा लगता है इसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट है, किसके पास है 5 रुपये, तुम्हारे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए सीम का यूज हमें करना है, यू सीम टू, यू सीम टू। अब पास होना या रखने के लिए हमें हैव का यूज करना है, टू हैव 5 रुपीज। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर का। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पीटा जा रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तुम्हें पीटा जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें ये पता नहीं है कि पीट कौन रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे यू। ये वाला हमें स्ट्रक्चर लगाना है, यू सीम, यू प्लूरल है तो सीम, अगर सिंगुलर होता तो सीम्स करते, यू सीम टू बी बींग बिटन। इस तरीके से हमारे दो स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हमारा वाक्य में कहीं पर हमें दिखाई दे कि वाक्य तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो फिर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। इन वाले सेंटेंस को हम इट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर वाक्य इस वाले स्ट्रक्चर का आता है तो कहीं पर हमें टाइम दे दिया जाए तो फिर हमें कैसा करना है, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है,
तो हमें देखने में हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट हमारा ही, अब ही के साथ हमें सीम्स का यूज करना है, न कि सीम का, ही सीम्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, वो उसका यूज हमें यहाँ पर कर देना है, ही सीम्स टू हैव बीन, सभी के साथ हैव का यूज करना है न कि हैज का, ही सीम्स टू हैव बीन प्लेइंग, कब से, 2 घंटे से, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की, अगर हमें कहीं पर निगेटिव स्ट्रक्चर बोलना पड़ जाए कि ऐसा नहीं लगता कि तुम वहां जा रहे थे, तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डजंट या डोंट का यूज करना है, अगर पास्ट की बात करते हैं हम तो डिडंट का यूज करना है, फिर सेम और आगे जो हमारा सेंटेंस होगा वैसे हमें कंप्लीट करना है। अब बात निगेटिव सेंटेंस की करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव आए तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम वहां जा रहे हो, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें या तो डजंट का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या डोंट का यूज करना है, या फिर डिडंट का यूज करना है, उसके बाद सेम का यूज करना है, फिर जो टू है उसके बाद हमें जो भी हमारी सेंटेंस होगा वो उसका यूज कर देना है, यू डोंट सीम टू गो देयर। तो आशा है आपको आज की जो क्लास है सीम का सेकेंड पार्ट या अपीयर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और आपको एक जानकारी और देते हैं, आपके नज़दीकी टाउन नकुड़ में हमने नित्यम क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, और रजिस्ट्रेशन वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।